तो यार आ चुके हैं क्यों वीडियो के साथ वापस। इंडिया कोरियन वर्जन में भी भीड़ जो है बहुत तगड़ी वाली आ रही है भाई नोवो के अंदर। यहाँ पे हमने प्लेन में कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं था, इसके बावजूद भी जो है बहुत सारे बंदे आ गए। और यहाँ पे किस्मत देखो, जस्ट मेरे एक टीममेट को AKM लग गई थी और उसने इसके बाद जो है यहाँ पे आपके सामने सामने अभी जो है लगभग 3 से 4 स्क्वाड उतरे हैं। ये दो बंदे मिलकर उन सभी को मार देते हैं। अब सोचो यार, मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी ये वाले मैच में कि भाई मेरे को बिल्कुल भी गन नहीं मिली। एक गन मिली थी भाई इस कंटेनर के अंदर से, वो भी थी VSR, जिसका कि कुछ खास फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो मैंने सोचा यार एक काम करता है, मेरे को बहुत देर बाद एक गन मिली तो मैं चला गया बिल्कुल सिटी की तरफ। देखो पीछे 3 से 4 स्क्वाड उतरी थी, उनको मेरे टीममेट्स ने मार दिया। उनके पास अभी 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 किल हो गए हैं, बट मेरे किल हैं बिल्कुल 0। लेकिन गैस करो जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो मेरे किल कितने होंगे, गैस करो। खैर यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिलता है जिसकी पूरी टीम को किसी दूसरी टीम ने मार दिया था, और मैंने इस बंदे को मार के उस टीम की हेल्प कर दी। लेकिन ये हेल्प सिर्फ यहीं तक थी, क्योंकि इसके बाद जो उस टीम को मैं खुद मारने वाला हूँ। यहाँ पे जो है 4 बंदे, ओब्वियसली पूरे के पूरे 4 बंदे थे। एक गया और दूसरा भी गया, तीसरा बंदा इनका जो है धुएं के अंदर था, तो मैंने सोचा यार जाके पुश करता हूँ। लेकिन सडनली जो है धुआं मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है चूक गया मैं। अब वो वाला बंदा भी इतनी देर में जो है भाग जाता है, अगेन मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इस तरफ से आ रहा वो बंदा, तो मैंने सोचा यार गन स्विच करते हैं। लेकिन ये रिलोड नहीं थी तो वो छत पे चला जाता है। अब उसके पास एक अच्छा टीम भी था, सोचो वो मेरे को मार सकता था, लेकिन उसने हील करना सही समझा और इसी के कारण वो मारा जाता है यहाँ पे। अब इनका आखिरी बंदा बचा हुआ था, वो कहाँ था, सामने वाले घर में। मैंने उसको अच्छे से डैमेज करने की कोशिश करी, लेकिन उसने भी मेरे को अच्छा खासा डैमेज कर दिया। और मेरे पास हेल्थ ज़्यादा थी नहीं, और ना ही मेरे पास जो है हेलमेट था, और क्योंकि वो ऊंचाई से मारा था तो शायद मेरे को एक आधा हेड लग जाता, उसी हेड में मैं मारा जा सकता था। तो मैंने सोचा यार चुपके से आगे आते हैं, तभी वो बंदा नीचे कूद के भाग जाता है। एंड गेस करो अब देखो कैसे भरते इस बंदे को। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन इशू हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस बंदे को नॉक करता हूँ मैं, और वो अपने टीममेट के पास भाग रहा था। लेकिन इससे पहले उसको जो है नॉक कर देता हूँ। अब दिक्कत यहाँ पर ये हो गई थी कि भाई एमो इतनी कम रह गई थी मेरी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत बार चुका उस बंदे को मारने के लिए। जस्ट देखो आप कैसे, और यार एक दो बुलेट बची हुई थी उसी में मैंने इस बंदे को मार दिया, और इसी के साथ जो है 4 किल तो हो गए मेरे। 5 के लिए पता नहीं किसका मिल गया। लेकिन अब जिस तरफ मैं जा रहा था उस तरफ भी जो है कुछ बंदे थे, तो वहाँ पे जो है मेरे एक टीममेट को मैंने वार्निंग दी थी कि बंदे हैं वहाँ पे, लेकिन वो इसके बावजूद भी जो है उन बंदे के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। यार यहाँ पे एक फ्री का किल मिला मेरे को, लेकिन इतनी देर में मेरे टीममेट का, अब जो ये बंदे थे यार ये थोड़े से एडवांटेज में थे, क्योंकि एक बंदा इनका छत के ऊपर है जिसको बहुत ओपन व्यू मिल रहा है, बाकी के सारे बंदे जो है नीचे इधर उधर छिपे हुए हैं, तो जो हमको जो है कहीं से भी मार सकते हैं। तो मैंने सोचा यार पहले ऊपर वाले को मार देते हैं। एक पल के लिए मेरे को लगा कि अपने टीममेट को रिवाइव कर देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा यार नहीं, उसको मार के आएंगे फिर ही रिवाइव करेंगे। लेकिन यहाँ से इतनी देर में वो बंदा नीचे कूद जाता है, और यहाँ से मैं मारने की ट्राई भी करता उसको, लेकिन यार जंप नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा यार एक और जंप लेते हैं और देखो कैसे भरते हैं। लेकिन यार डीसिंग जो है पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, पिंग भी बहुत तगड़ा वाला फ्लक्चुएट करता है यहाँ पे। और फाइनली मतलब मेरे को पता था यार यही हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी यार मेरे अच्छे खासे किल हो गए थे वहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे सिचुएशन बनी थी सब लोगों को गन मिल गई थी, किल भी मिल गए थे। लेकिन मैं जो है लगभग बहुत लेट गन मिली, इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा किल की वहाँ पे। अब दूसरा मैच स्टार्ट किया मैंने, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भाई मैं दो बंदों को जो है भड़का के बुला देता हूँ जोर जोर पुल। वैसे मैंने पूरे प्लान को इन्वाइट दिया था, पूरे प्लेन वालों को इन्वाइट दिया था, लेकिन ये दो जो बंदे अभी भी मेरे सामने उतरे हैं यही दो बंदे थे जो मूर्ख बने। पूरा प्लेन जो है समझदार था, वो जॉर्जो पुल नहीं आया भाई, मेरी बातों में नहीं फंसा। लेकिन ये दो लोग क्योंकि फंस गए थे, इनके एक बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया था। दूसरा बंदा जो है भाई पहले तो मेरे को मारने के लिए आता, लेकिन उसके बाद जो है वो भागने लग जाता है यहाँ से। अब जैसे वो उस तरफ की तरफ भागने लगा, तो भाई मेरे को लगा कि उसके पास गन नहीं है, क्योंकि तब भी वो भाग रहा है। और इससे पहले कि मैं उसको मार पाऊँ, वो वाला बंदा जो है वेयरहाउस के अंदर घुस जाता है। अब जैसे वो वेयरहाउस के अंदर गया, तो भाई उसको जो है वहाँ पर गन मिल जाती है, लेकिन एंड टाइम पर मैं पहुँच जाता हूँ, और भाई इसी के साथ दोनों को जो है बिना गन के मार दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि मैंने प्लेन पे जो है बहुत सारे लोग को इनवाइट तो दिया था, बट यही दो फंसे, तो इन दोनों को तो मार दिया बिना किसी मेहनत के। तो उसके बाद यहाँ से जो है मैं बगी लेके निकल पड़ता हूँ। अब मेरा प्लान था यहाँ से रोजोक जाने का। अब रोजोक में जैसे पहुँचा तो भाई फायरिंग आती है वाटर सिटी से। अब वाटर सिटी जो पहले घर होता है उसी के अंदर होता है बंदा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे बगी लेकर रुका, तो वो बंदा जो है पहले तो बालकोनी में आता है, मतलब उसके बाद जो है वो पीछे की साइड चला जाता है। यहाँ से मैंने हल्की सी उसकी झलक देख ली थी। अब ये वाला बंदा जो है भाई बहुत ही गलत तरीके से मरने वाला, जैसे देखो आप
मतलब यार बंदे को कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि भाई कहाँ छुपे, तो बीच बीच ही खड़ा हो गया। फिलहाल इसके पास लूट अच्छी थी जो कि मैं ले लेता हूँ, एक 3x जो कि इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है मेरे को, और बाकी कच्चा बचरा जो भी मिला था मैंने फेंक दिया। अब इतने में फायरिंग होती है रोजक से, और यही मैं चाहता था भाई कहीं से तो फायरिंग हो। अब अगेन यहाँ पर जो है आपको लाइक नोवो की टाइप का सिचुएशन याद आ जाएगा, क्योंकि अभी तक मेरे 3 किल हैं, लेकिन जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो भाई सडनली मेरे 12 किल हो जाएंगे। कैसे, जस्ट आप देखो, एक ऐसी जगह पर मैं फंस जाता हूँ जहाँ पर 4 बंदे जस्ट मेरे 10 मीटर के एरिया के अंदर थे। जस्ट देखो आप, सामने 2 बंदे, ऊपर 2 नीचे, जिसमें से 3 बंदों को मैंने मार दिया है। अब 4 बंदे थे तो 3 को लुटका दिया, एक आखिरी बंदा बचा हुआ था। मैं ऊपर डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं करता, जाने तो वाला था मैं, बट वहाँ पे जो है वो बंदा टिप भी ले रहा था तो मैं नीचे आ जाता हूँ। मैंने सोचा नेट फेंकते, लेकिन तभी मेरे राइट से भी आवाज़ आती है। मैं समझ गया था भाई मेरे राइट में भी कोई ना कोई बंदा है, इससे पहले कि वो मेरे को मारे नेट फेंक के भाग जाता हूँ। काम कर जाता नेट, ये वाले बंदे गए, 4 बंदों की गेम मेरे को काफ़ी इजीली। लेकिन अब वो जो बंदा था भाई, बारी थी उसको खेलने की, और देखो कैसे बजाते हैं। इस जगह पे था वो बंदा, लेकिन हट जाता है, तो अगेन जो है उसको मारने की ट्राई करता हूँ मैं। पहले तो मैं ये दरवाज़ा फोड़ देता हूँ। अब इस बंदे को मैंने जैसे मारा तो भाई वहाँ पे जो उसके जस्ट पीछे एक और बंदा उसकी तरफ भागते हुआ आता है, एंड मेरे जस्ट पीछे से भी कुछ फायरिंग की आवाज़ आती है। तो ये जो है काफ़ी लंबी फाइट चलने वाली है। बंदा जो है इधर ब्रोकन वॉल पे छिपा हुआ है और उसका टीममेट पीछे है। अब यहाँ पर उस बंदे को तो मार नहीं पाया मैं, लेकिन इसका जो टीममेट है नीचे उसको जरूर मारूंगा, उसका किल भी चुराऊंगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये किल चुराया था भाई, ये दोनों के दोनों जो है पागल से हो जाते हैं थोड़े से, तो अटैक करने की ट्राई करते हैं। लेकिन तभी जो है पीछे से भी कुछ बॉट वॉट आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इस बंदे को मारने की अगेन कोशिश करता हूँ, लेकिन यार ये 2 बंदे जो है थोड़े से स्मार्ट बंदे थे, इनको तो मार नहीं पाता, लेकिन ये बॉट को जरूर मार देता हूँ मैं। और अब मैं नीचे आ चुका था, अब बस मेरे को नीचे से बस एक एक करके इनको मारना था, बट यहाँ पे जो है मेरे को बिल्कुल भी जो है व्यू नहीं मिल रहा था। और तभी मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे को मौका मिलता है एक बंदे को मारने का। अब जैसे उसको नॉक किया तो भाई इसका टीममेट जो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि उसको ओपन है, उस बंदे को बचाने के लिए जाना होगा। बट यहाँ से जैसे वो जाएगा तो मैं उसको मार दूंगा, तो वो कन्फ्यूज़ है और नेट खींचता है। अब क्योंकि उसने नेट खींचा हुआ था, तो जैसे मैं नीचे कूदा उस बंदे ने पहले अपना नेट जो है अनसेलेक्ट किया, लेकिन इस बीच में जो थोड़ा मूवमेंट जो है स्लो हो जाता आदमी का, तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। हालांकि जंप मेरी हुई नहीं, अदरवाइज मैं उसको मैं पहले ही मार देता, और यहाँ पे जो इजीली ये वाली टीम को मैंने पेल दिया। थोड़ी बहुत लूट मिलती है इनके पास से मेरे को अच्छी खासी, जो कि मैं लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। और अब आ जाता हूँ मैं ये जगह पर। अब यहाँ पर क्या सीन होता है, जस्ट आप देखो, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ एक दूसरे का पीछा कर रही थी, और वहाँ पे एक हिसाब से समझ लो एक छोटी सी स्पॉट के अंदर 4 बंदे होते हैं। अब यहाँ पे मैं कैसे उन 4ों के किल चुरा था, जैसे देखो आप, मेरे को पता था ये लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में खड़े हो गई, तो मैं यहाँ पे गाड़ी पीछे रोक देता हूँ। भाई मतलब इस चीज़ के लिए तो यार एक लाइक बनता है, जिनने लाइक नहीं किया तो भाई कर दो। मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ, 2 गाड़ियाँ आई थी, लेकिन ये बंदे जो उन 2 गाड़ी वालों को मार चुके थे, और यहाँ पे एक बॉट था तो जिसके पीछे ये थोड़े से लेट हो जाते हैं, तो मैंने बॉट को मारा सबसे पहले, उसके बाद एक एक करके इन दोनों को मार दिया। और ये दोनों जो है बॉट के चक्कर में जो है थोड़ा सा मेरे पे ध्यान देने भूल गए, और इजीली पेल दिए जाते हैं। अब ये वाला गेम जो काफ़ी फास्ट चलता है, मतलब धड़ाधड़ यहाँ पे जो है किल मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया तो भाई एक बगी वाला दिखता है मेरे को, और जैसे कोई बगी वाला आपके आगे हो या कोई गाड़ी वाला, तो गेस करो ये या तो आपको सीट चेंज करके मारने वाला है या तो उतर के मारने वाला है। और बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता हूँ, मेरे को पता है ये अगर उतरेगा तो इसको मैं कुचल दूंगा, और अगर ये सीट चेंज करेगा तो मैं इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा, क्योंकि बगी के ऊपर ऑलमोस्ट कई बार जो है गाड़ी चढ़ जाती है। तो इन दोनों चीज़ों का मेरे को वहाँ पे फ़ायदा मिला, और इजीली मार दिया उस बंदे को फिनिश करके। अब मेरे सामने से ओम भी चलती है, तो इस बंदे को भी देखो कैसे मारता हूँ। जहाँ से ओम चली थी इस बंदे का मेरे पर कोई ध्यान नहीं था, ये किसी और पर जो ओम चिपकाने की ट्राई कर रहा था, और यहाँ पर जो देखो इजीली मार देगा ये वाला बंदा। मतलब इस बंदे का नाम नोट करना, काफ़ी किल कर रखे थे इसने, बट एट द एंड जो है मारा जाता है ये। इसकी ओम तो लेने की मेरी कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ, और उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे। यहाँ पे अगेन एक और बंदा जो है ओम चिपकाने की ट्राई कर रहा था किसी पे। अब सबसे पहले तो मैं सामने की तरफ चला जाता हूँ, वहाँ पे जो है मेरे को बंदे मिलते नहीं है, तो बंदे कहाँ होते हैं बिल्कुल सामने वाले वेयर हाउस के अंदर। अब इन बंदों के पास बहुत तगड़ी लूट थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। कैसे करो, इन दोनों के पास ग्रोजा भी थी, AWM भी थी, और इसके अलावा आप क्या किसी के पास लूट एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर इनको मारना थोड़ा मुश्किल था यार, क्योंकि AKM ग्रोजा कोई मैच नहीं है ज़्यादा, लेकिन तब भी इस बंदे को नॉक किया। और देखो एक और को नॉक करने वाले हैं।
अब ये वाला बंदा जो है थोड़ा सा अंदर चला जाता है, दीवार का फायदा मिलता है उसको, लेकिन मैंने उसको डैमेज कर रखा था अच्छा खासा, तो मैं उसको वापस मारने के लिए जरूर जाता हूँ, लेकिन यार अब वो छिपा हुआ था। और फाइनली यार उस बंदे भी सोचा कि भाई वो भी थोड़ा सा अटैक करेगा मेरे पे, एंड एट द एंड वो खुद ही मारा जाता है। लेकिन बंदे के पास क्रूजा थी, इसके पास भी, और AWM भी थी, और सामने वाले के पास तो थी AWM क्रूजा, और ये दो जो है काफ़ी इजीली मार दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ ही बंदे बचे हुए थे, तो मैं आता हूँ ये ले कंपाउंड में। यहाँ पे मेरे को कैसे पता चलता है, ये सामने आप गाड़ी देख रहे हो, इस थोड़े से इसी कंपाउंड में मैं थोड़ी देर पहले आया था, तो यहाँ पे जो कोई गाड़ी लगी नहीं हुई थी, तो यहाँ पे गाड़ी लगी मतलब बंदे होंगे, और बंदे के फुटस्टेप भी इस घर से आते, तो मैं गाड़ी थोड़ी इस प्रकार से लगाता हूँ कि वो बंदा मेरे पे डायरेक्ट अटैक ना कर पाए, बदले में मैं उस पर अटैक कर देता हूँ। लेकिन अब वो बंदा जो है थोड़ा सा मेरे से गेम खेल जाता है बाहर जाके। अब जैसे मैं इस जगह से कूदा था वो यहीं पर था, लेकिन सडनली गायब, मरते मरते बचा मैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे जो है जैसे मैंने इस बंदे को डैमेज दिया, तो मेरे को लगा कि ये मर जाएगा, बट ये वाला बंदा जो है उसी बीच जो है गेट इन कर जाता है, और मैंने इसको देखा नहीं गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए, बट जब ये उतरा तो भाई मैंने पहचान लिया और इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। हालांकि इस बंदे के पास भी जो ऑक थी, मरते मरते बचा मैं वहाँ पे, बट अगेन जो है यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने थोड़ा गाड़ी चेंज करने के लिए अंदर गया क्योंकि फ्यूल काफ़ी कम था, लेकिन इस गाड़ी में भी जो है कुछ ज़्यादा फ्यूल था नहीं, तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं अब निकलते हैं। लेकिन बंदा एक था जो कि यहीं पर नज़र रख के बैठा था, क्योंकि आखिरी बंदा बचा हुआ था, और इसी के साथ होता भाई एक इजी चिकन डिनर। मैंने एक्चुअली कोशिश करी थी कि मैं स्टार्टिंग में किल बटोर लूँ जॉर्जी पुल जाके, तो वहाँ पे मैंने जो है बहुत सारे लोगों को बुलाया भी था, बट कोई बंदा आया नहीं। एक्चुअली भड़कते आजकल लोग जो है थोड़े से ठंडे दिमाग के हो गए, तो वो भड़कते नहीं है, तो वहाँ पे जो किल कम मिल गए थे मेरे को, बट एक्चुअली उसके बावजूद भी जो है पूरे मैच में अच्छे खासे किल बटोरे। एंड सो यार दैट्स इट, गेम प्ले होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं भाई 2020 खत्म होने से पहले, आई मीन दिसंबर खत्म होने से पहले 4 मिलियन कंप्लीट हो जाएं, तो ट्राई करो सब्सक्राइब करने का। एंड अगर तुमको बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब कर ही देना, अपने भाइयों से भी करवाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।